जीन फ्रैंकुइज ल्यूटार्ड. हु? जीन फ्रैंकुइज ल्यूटार्ड. ही सेज दैट पोस्ट मॉडर्निज्म इज इनक्रेडुलिटी ऑफ मेटा नैरेटिव. इनक्रेडुलिटी का मतलब होता है डिसबिलीव. मीन्स इट डज नॉट बिलीव इन द मेटा नैरेटिव. जो सिंगुलर मीनिंग डेफिनेशन होती है ना, सिंगल मीनिंग दिए जाते हैं. आप पूछते हो कि ये चीज क्या है, एंड दे विल आंसर इट दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. बट पोस्ट मॉडर्निज्म डिनाई इट दैट नथिंग कैन हैव अ सिंगल मीनिंग. एवरीथिंग हैज मल्टीपल मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पीपल्स एक्सपीरियंस. इट बिलीव्स इन द रिलेटिविटी. किस में बिलीव करता है? रिलेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है, जो कि किससे जुड़ा है? पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा है. क्या है? रिलेटिविटी. हर आदमी की अपनी सच्चाई है, हर आदमी का अपना एक ट्रूथ है, हर आदमी का अपना एक मीनिंग है. क्यों कहता है ये? ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज इट डज नॉट बिलीव इन दी मेटा नैरेटिव. मेटा नैरेटिव मैंने आपको बताया कि ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होते हैं. क्या होते हैं? ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होते हैं और आइडियोलॉजीज होती हैं जो ये क्लेम करती है कि वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. उनको हर एक चीज का मीनिंग पता है, उनके पास हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन है. आप पूछेंगे दैट हाउ डिड दिस वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, सो दे विल से दैट दिस इज हाउ इट वाज क्रिएटेड. यू विल से दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, दे हैव आल्सो द मीनिंग फॉर दैट. बट पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स इट. देन व्हाट इट एक्सेप्ट्स, इट बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म. Constructivism. What does it mean? It means that every single thing is constructed. हर एक चीज को construct किया गया है. How? Socially constructed, human constructed. हमारे पास जो knowledge है वो कहां से आई है? वो हमारे पास meta narratives से आई है. कुछ authorities है, आपके कुछ religious gurus हैं, they said something, we take that for granted and then we build the institution to disseminate that knowledge. And what they say? They rejects it. Why? Because that knowledge is created, how? Constructed with a language. And language is not a natural phenomena. It did not exist here before we came, before we human came. It was not given to us. It was made by us. We have created the language. We created the words. And then we give them the meaning. Somebody is in Egypt, somebody is in America, somebody is in Spain, somebody is in India. We have the different words, we have given them different meanings. How? According to our experiences, our social experiences. What makes dog a dog, a furry animal who barks? We have given them according to the social norms, daily debates, and this is how the meanings are created. So the language itself is human created. It is not stable. It is instable. You cannot rely upon it. Language is unreliable. आप जो आप कहते हैं apple, आपका apple आगे क्या बन जाता है? Fruit बन जाता है. Apple क्या है? Fruit है. A fruit क्या है? Something which gives us vitamins, which is crispy, juicy. ये आगे इसके words बनने लगते हैं. और हम कभी एक्चुअल मीनिंग तक हम नहीं पहुंच पाते. दैट इज द रीजन पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स द मीनिंग्स. इट बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म. अब ये सारे टर्म्स मैंने आपको बताए, कंस्ट्रक्टिविज्म, मेटा नैरेटिव, रिलेटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं और इनके मीनिंग्स भी आपको पता चल गए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट पोस्ट मॉडर्निज्म इज. ऑलराइट. नाउ another term which is given by him, one is meta narrative. Disbelief in the meta narrative is the postmodernism according to the Jean Francois Lyotard, who is the father of postmodernism. Ek to hogi meta narrative. Now second one is the meta narrative ke baad kya hai? Libidinal economy. Libido, sensual drives. The term libido is given by Sigmund Freud. ये economy है ना, एक economy है जो society में, जो इस universe में, इस world में, postmodern world में libidinal economy run करती है. वो किसके base पे run करती है? Desires पे, fantasies पे,
फैंटेसीज होती है ना आपकी, फैंटेसीज उस पे रन करती है, प्लेजर पे रन करती है. पीपल वॉन्ट फिजिकल प्लेजर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर बींग प्रोवाइडेड सम प्रोडक्ट्स एंड टू बाय दोज प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड विच टैप ऑन योर डिजायर्स ऑन फैंटेसीज टू इवोक द प्लेजर टू स्टिम्युलेट द ड्राइव टू ड्राइव द कंजम्पशन ताकि आप उन चीजों को आप खरीद सके. जैसे कि परफ्यूम है, उसे लिंक किया जाता है सेंचुअलिटी के साथ. द गर्ल इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बॉय और अ बॉय इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ गर्ल्स एंड यू वांट टू बाय दैट परफ्यूम बिकॉज इट विल गिव यू दैट सेंचुअल प्लेजर. एंड दिस इज हाउ दिस इकोनॉमी इज बीइंग रन इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड. इट क्रिटिसाइज द मार्क्सिस्ट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी. मार्क्सिस्ट बात करता है ना लेबर की, कैपिटलिज्म की, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करता है कि वही एक इकोनॉमी नहीं है, एक इकोनॉमी ये भी है, इसके लिए भी लोग काम करते हैं, इसके लिए भी लोग पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, ये हो गया. और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पब्लिश्ड इन द 1979. सो मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल दीज टर्म्स एंड द वर्क्स.